नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनली न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। एमसीडी चुनाव परिणाम के आने के बाद भले ही दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं की दिल्ली की जनता ने पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, जीत के बावजूद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कारण है जनता का आईना दिखाना। जी हाँ, एमसीडी चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है और एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर दिया गया है। एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी खूब लहालोट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा फिर से दोहराया जा रहा है। मगर इस बीच केजरीवाल की दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येन जैन के विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल भले ही एमसीडी चुनाव जीत गए हों, मगर चुनावी नतीजों ने ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल लगातार कट्टर ईमानदार का पोशाक पहने जनता के बीच घूमते रहते थे, आज उसी जनता ने, दिल्ली की उसी जनता ने अरविंद केजरीवाल के इस कट्टर ईमानदार पोशाक को उतार कर उन्हें नंगा कर दिया और दिखा दिया कि आप कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी हो। जी हां, तो चलिए लिए चलते हैं आपको दिल्ली के एमसीडी चुनाव के परिणामों की तरफ और दिखाते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेताओं के ही गढ़ में अरविंद केजरीवाल और पार्टी को धो दिया गया, सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये जीत के बाद भी जनता ने जो संदेश अरविंद केजरीवाल को दिया है वो केजरीवाल के लिए कैसे एक बड़ी मुसीबत बन गया है, पूरा का पूरा मामला इस खबर में दिखाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके इनके कट्टर ईमानदार नेताओं की जिस तरीके से पोल खुली है उस पर अपने दो शब्द जरूर रखिएगा। एमसीडी चुनाव के नतीजों के अनुसार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चार वार्डों में से तीन पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और केवल एक वार्ड में ही आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। वहीं सत्येन जैन की सकूर बस्ती विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तीनों ही वार्डों में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। आसान शब्दों में कहे तो अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार वाला जुमला जनता के गले नहीं उतरा और इसका असर अरविंद केजरीवाल की ओर से कट्टर ईमानदार घोषित किए गए नेताओं को भुगतना पड़ा है। जी हाँ, अपने ही गढ़ में आम आदमी पार्टी को वोट न दिला पाने का सीधा सा मतलब है कि सिसोदिया और जैन जैसे तमाम कट्टर ईमानदार जनता ने इन तमाम कट्टर ईमानदार की ईमानदारियों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों में घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के शराब नीति में कई अनियमितताओं को बरतने का जिम्मेदार भी मनीष सिसोदिया को ही ठहराया था। भारतीय जनता पार्टी के आरोप थे कि दिल्ली की शराब नीति आम आदमी पार्टी के नेता ने वित्तीय सहायता पहुंचाने वाले सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई थी। इन कथित घोटालों के आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ लंबे समय तक सीबीआई जांच चल रही थी। इस कथित शराब घोटाले में अभी तक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार तो नहीं किया है, मगर सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। दिल्ली के शराब घोटाले के तार तेलंगाना तक पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को उनके ही साथी सत्येन जैन के पास तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया जाएगा। वहीं अगर सत्येन जैन की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 5 महीनों से वो जेल में बंद है। इस दौरान कई बार जैन की जमानत खारिज भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीते दिनों तिहाड़ जेल के अंदर सत्येन जैन के मसाज लेने, घर का खाना खाने, कई लोगों के साथ मीटिंग करने जैसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बारे में ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सत्येन जैन को तिहाड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है।
क्योंकि जैन जेल मंत्री है। सतीन जैन पर जेल में मसाज करवाने, घंटों तक मुलाकात करने, घर का खाना खाने जैसे आरोप लगाए गए थे और इसके साक्ष्य के तौर पर ईडी ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी थी। माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव के दौरान यही वीडियो लीक होकर सबके सामने आ गए थे। ऐसे में आसान शब्दों में कहें तो जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे सतीन जैन और दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुलवाने वाले मनीष सिसोदिया को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में अरविंद केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया और सतीन जैन को दिए गए कट्टर ईमानदार वाले सर्टिफिकेट किसी भी काम नहीं है। अब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री की तरफ आते हैं। देखा, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री और नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत भी 4 में से महज 1 वार्ड में आपको जीत दिला पाए। यहां 3 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। उन पर बीजेपी की ओर से बस खरीद और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए। केंद्रीय एजेंसियों की ओर से उनके खिलाफ जांच भी जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दोस्तों को लाभ देने के इरादे से दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की बसों की निविदा व खरीद संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इस निविदा के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में DIMTC की नियुक्ति गलत कामों की सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। कट्टर ईमानदार सरकार के दावे को जनता ने किया खारिज। यहां तीनों मंत्रियों के क्षेत्र में आपके खराब प्रदर्शन में केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी को जोरदार झटका लगा है। इस नतीजे ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज के नाम पर ही दिल्ली मॉडल पेश किया जाता है। केजरीवाल अक्सर दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन मंत्रियों के खिलाफ घोटाले का आरोप लगाकर लगातार इनको घेरा है। ऐसे में इन मंत्रियों के क्षेत्र में आपकी हार से ना सिर्फ बीजेपी को मनोबल बढ़ेगा बल्कि उससे हमलावर होने का एक और मौका मिलेगा। वहीं मसलन बहुल इलाके में आपका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि आप खुद नहीं समझ पाए। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन मुस्लिम बहुल इलाके में भी अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले अमंतुल्ला खान और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के इलाकों में जनता ने उन पर भरोसा ही नहीं किया। अमंतुल्ला खान की विधानसभा सीट ओखला में आने वाले 5 वार्डों में आपको केवल 1 पर जीत मिली और यहां 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के नेहरू बिहार वार्ड नंबर पर पार्टी 3 नंबर पर रही। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा था। ऐसे में मामूली अंतर से इन लोगों को जीत मिली है। जी हां, केजरीवाल की उनकी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बहुमत तो हासिल किया है, लेकिन आपकी एक तरफा जीत साफ दिख रही है कि वो मामूली अंतर से है। और विधानसभा चुनाव के तुलना में मतों में 12% की गिरावट ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। इससे पता चलता है कि अब केजरीवाल का ग्राफ नीचे उतर रहा है। आपको 250 में से 134 सीटें मिली हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 9 सीटें जीतने में सफल रही है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। इस पूरे खबर पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।